मॉर्निंग स्टूडेंट, पिछली क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट करवा दी थी। आई होप आप सभी बच्चों ने कंप्लीट कर ली होगी। आज हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। सभी बच्चे ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। आप सभी बच्चे क्या करना है आपको क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए। सॉल्व दीज, सबट्रैक्ट यानी कि आपको घटा करना है 27,025 फ्रॉम 1,05,000। आपको ये नंबर्स इन वर्ड्स में दिया गया है। सबसे पहले आप इस नंबर्स को आप इस तरीके से फिगर्स में लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा है 1,05,000। ठीक है बेटा, इसके बाद आपको 27,025 आपको इस तरीके से फिगर में लिखना है। फिगर में लिखने के बाद आप सबट्रैक करेंगे। कैसे करना सभी बच्चे ध्यान दीजिए, यहाँ ज़ीरो है बेटा लेकिन यहाँ फाइव है। ज़ीरो में से हम फाइव माइनस नहीं कर सकते। क्या करेंगे हम कि यहाँ से एक हासिल ले लेंगे, लेकिन यहाँ तो पहले से ही ज़ीरो है तो हम यहाँ से नहीं ले सकते। हम फाइव के पास जाएंगे, वहाँ से एक हासिल लेंगे। यहाँ हमने फाइव से एक हासिल ली, हासिल लेने के बाद यहाँ टेन हो गया, लेकिन यहाँ से हमने फिर हासिल ली, यहाँ टेन हो गया, तो यहाँ नाइन बच गया। टेन में से जब हम फाइव माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ फाइव आएगा। यह नाइन था, नाइन में से टू माइनस करेंगे सेवन आएगा। यहाँ क्या बचा था, फोर, क्योंकि हमने इसको एक उधार दिया था। यहाँ फोर बच गया तो हम यहाँ फोर ही लिखेंगे। इसके बाद देखिए सभी बच्चे, यहाँ ज़ीरो है लेकिन यहाँ सेवन लिखा हुआ है, तो हम ज़ीरो में से सेवन माइनस नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, पास वाले से एक हासिल ले लेंगे। यहाँ ज़ीरो लिखा हुआ है, हम यहाँ से भी हासिल नहीं ले सकते, तो हम दूसरे के पास वन के पास जाएंगे, वन से हम एक हासिल लेंगे। हासिल लेने के बाद यहाँ नाइन, यहाँ टेन हो गया लेकिन एक हमने इसको दिया। इसको देने के बाद यहाँ नाइन बच गया, यहाँ टेन हुआ। टेन के बाद में से जब हम सेवन माइनस करेंगे तो यहाँ थ्री आएगा। यहाँ नाइन में से टू माइनस करेंगे तो सेवन आएगा, और यहाँ हमने एक हासिल ले ली थी तो यहाँ वन था, तो यहाँ ज़ीरो बचा, तो ज़ीरो यहाँ हम लिख देंगे। इस तरीके से आप सबट्रैक्ट करने के बाद आपका जो आंसर होगा 73,475 ये आंसर आ गया। लेकिन आपको ये आंसर इन वर्ड्स में लिखना है। नंबर्स इन वर्ड्स में कैसे लिखेंगे देखिए सभी बच्चे, 73,475 आपको इस तरीके से ये नंबर्स वर्ड्स में लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप इस तरीके से, जो अदर पार्ट्स हैं इस तरीके से कॉपी में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में भी बेटा सबट्रैक्ट करना है। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 फिगर्स में लिखकर सबट्रैक्ट किया था, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी आप बुक में ही सबट्रैक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पिछली क्लास में भी मैंने आपको करवाया था, अरेंज इन कॉलम्स एंड देन सबट्रैक्ट। सबसे पहले आपको ये कॉलम्स जो दिए गए हैं इनको अरेंज करना है, अरेंज करने के बाद आप सबट्रैक्ट करेंगे। देखिए सभी बच्चे, मैंने यहाँ अरेंज किया है, जैसे यहाँ अरेंज करने के बाद ही आपको सबट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए सभी बच्चे, फाइंड द डिफरेंस ऑफ, आप क्या करेंगे, जैसे 76,874 पहले लिखेंगे, इसके बाद हम 50,427 हम इसमें से माइनस कर देंगे। आपको पिछली क्लास में भी करवाया था, उसी तरीके से आपको ये सम करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द डिफरेंस, आपको इसमें डिफरेंस करना है। सबसे पहले आप ये नंबर्स लिखेंगे, इसको लिखने के बाद आप इसमें से ये माइनस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में 6 में आपको क्या करना है बेटा, यहाँ 7 है लेकिन यहाँ आंसर में 9 है, तो आपको यहाँ गैस करके नंबर लिखना है कि हम यहाँ कितना नंबर लिखें ताकि यहाँ 7 माइनस करें तो हमारे यहाँ 9 आए। देखिए सभी बच्चे गैस बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए सभी बच्चे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है, फील इन द ब्लैंक्स, आपको क्या करना है, आपको ये सम दिया गया है लेकिन इसमें कुछ बॉक्स खाली हैं, आपको यहाँ गैस करके नंबर्स लिखना है। अब कैसे लिखेंगे सभी बच्चे ध्यान दीजिए, कैसे लिखना है देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए सभी बच्चे, बेटा यहाँ 7 है और आंसर में जो लिखा हुआ है यह 9 है, तो हम 7 में से यहाँ क्या नंबर लिखें जिससे यहाँ घटाने से यह 9 आ जाए। तो हमने क्या किया,
या हमने इससे एक उधार लिया या 16 हो गए। 16 में से जब हम 7 माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ जो आंसर आएगा वो 9 आएगा। इसी तरह से हम यहाँ एक हासिल लेने के बाद यहाँ 12 यानी कि 12 बच गए, या एक हमने यहाँ 2 बचे थे लेकिन एक हमने हासिल लिया तो यहाँ 12 हो गए। 12 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो यहाँ 9 आएगा। फिर यहाँ हमने एक इसको उधार दिया था, यहाँ 5 में से 4 बच गए। 4 में से जब हमने एक इससे उधार लिया तो यहाँ 14 हो गए। 14 में से जब हमने 9 माइनस किया तो यहाँ 5 आया। इसी तरीके से यहाँ 10 0 है लेकिन हमने एक इसको उधार दिया था, तो इससे पहले हमने 8 से एक उधार लिया था। उधार लेने से यहाँ 10 हो गए थे लेकिन एक हमने 5 को उधार दिया था, तो इस तरीके से यहाँ 9 बचे। 9 में से जब हम 7 माइनस करेंगे तो यहाँ 2 आएगा। इसी तरीके से जब हमने इसको उधार दिया तो यहाँ 8 था लेकिन 8 में से जब हम यहाँ 7 बचे थे, 7 में से जब 5 माइनस करेंगे तो यहाँ हमारा 2 आएगा। इस तरीके से आपको गैस करना है, आपको वो नंबर्स यहाँ लिखने हैं जिससे आपका जो आंसर दिया गया है वो सही आए। आप सही नंबर्स गैस करेंगे, गैस करने के बाद ही आप जो खाली कॉलम्स है उसमें फिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आप बुक में ही करेंगे, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है इसी तरीके से आप गैस करके नंबर आपको यहाँ लिखना है। ओके बेटा।